गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे पाथ नंबर 2 क्वेस्ट नंबर 3 का एंड नेम ऑफ द गेम इज कि आपको इंसर्नेट डीबफ अप्लाई करने हैं। अगर आपका चैंपियन इंसर्नेट डीबफ अप्लाई करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पर नोट्स क्या है कि भाई सप्रेसिंग फायर है, तो या तो आपको दो डीबफ अप्लाई करना है, इधर सप्रेशन डीबफ या तो फिर आपको इंसर्नेट डीबफ अप्लाई करना है। बेसिकली इन द सेंस इंसर्नेट डीबफ ही सप्रेशन डीबफ को अप्लाई करता है। तो जब कभी भी ये दोनों के दोनों डीबफ्स अगर एक्टिवेट नहीं है, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइट, तो आप पैरी नहीं कर पाओगे, आपकी जो भी डिफेंसिव एबिलिटी एक्यूरेसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब सपोज आपके ब्लॉक के थ्रू अगर आप इवेट करने वाले होंगे या तो फिर ऑटो इवेट जो भी मैकेनिक है वो काम करना भी बंद कर देता, तो वो एक चीज़ है। तो इस वाली फाइट में मैं ऐसे चैंपियंस रिकमेंड करूंगा कि जो इंसर्नेट डीबफ अप्लाई कर सकते हैं हैवी अटैक के थ्रू, मीडियम अटैक्स के थ्रू, रेगुलर अटैक्स के थ्रू या तो फिर स्पेशल अटैक्स के थ्रू, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि इंसर्नेट डीबफ अप्लाई करो एंड देन ही फिर आपकी एबिलिटीज एक्चुअली काम करना जो है स्टार्ट करेगी। तो मेरे केस में ऑफकोर्स देख सकते हो कि डोमिनो ट्रिनिटी में लेके आया हूँ, जिसके केस में है डोमिनो है, मैसेकर है एंड देन फिर रेड हल्क है। अगर ये तीनों के तीन ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से डोमिनो का स्टन काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक का रहता है एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एवरी हैवी अटैक जितना भी मैं जितने बड़े हिट कर मैं डैमेज करता हूँ उतना ही बड़ा हिट जो है मैं एचपी अटैक के थ्रू इंसर्नेट के थ्रू मैं उतना ही एक्स्ट्रा डैमेज करूँगा। तो अगेन आप यहाँ तो फिर इसको हैवी बेट कर सकते हो या तो फिर जस्ट SP1 लॉन्च करने के बाद आपको ओपनिंग मिले तब ये कर सकते हो, क्योंकि देख सकते हो ऑलमोस्ट 12,000 तक का जो है इंसिनरेट डैमेज देखने को मिलता है। ये तो कुछ नहीं है, आगे जाके हम लोग और देखेंगे, आगे जाके कहीं पर शायद 54,000 तक का या तो फिर समथिंग ऐसा ही कुछ मेरे को डैमेज देखने को मिला, क्योंकि एक 7-स्टार रैंक 2 की डोमिनो एंड वो भी सुसाइड मास्टर्स पे बफ्ड है, तो भाई डैमेज तो डेफिनेटली आपको देखने को मिला क्योंकि बहुत ही मस्त डैमेज है। सो ऐसे करके पहले दो फाइट तो फिनिश हो गए, मूविंग ऑन टू फाइट नंबर 3 एंड फाइट नंबर 3 भी काफ़ी इजी है। या मैं ऑप्शंस बता रहा था, सॉरी मैं आई वॉज जस्ट कैरीड अवे। सो मैं ये देख रहा था कि दूसरे और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इंसर्नेट डीबफ अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप यूज़ कर सकते हो इनकेस आपके पास डोमिनो नहीं है। तो वन ऑफ द ईजिएस्ट ऑप्शन रहेगा ह्यूमन टॉर्च काफ़ी ईजिली जो है इंसर्नेट डीबफ अप्लाई करता है। साइंस क्लास में जितना मेरे को मालूम है उसके हिसाब से तो जस्ट वो ही है। उसके अलावा स्किल क्लास के अंदर लेट मी सी जो इंसर्नेट डीबफ अप्लाई कर सके, तो या आई मीन रोस्पॉन्स के SP2 में है, क्या कहते हैं ये एल्सा ब्लडस्टोन है उसके मीडियम अटैक्स के अंदर क्या कहते हैं इंसर्नेट डीबफ अवेलेबल है एंड देन फिर मूविंग ऑन टू या मेरे ख्याल से इतने ही हैं, ज़्यादा कोई तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। डेफिनेटली अगर आपको याद आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो ताकि दूसरे चैंपियंस को या तो फिर दूसरे लोगों को जो है मदद मिले। म्यूटेंट क्लास के अंदर ऑफकोर्स ह्यूमन क्या कहते हैं ये सनस्पॉट है जो काफ़ी इजीली एंड बेसिकली इंसिडेंट डीबफ अप्लाई करेगा क्या कहते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद टेक क्लास के अंदर देखें तो टेक क्लास के अंदर दो चैंपियंस हैं एंड टेक क्लास यहाँ पर बहुत ही रिकमेंडेड है, वो आगे जाके मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पेनी पार्कर जो है वो इंसिडेंट डीबफ अप्लाई करती है, नो डाउट वो SP2 पर अप्लाई करती है, बट ऑफकोर्स आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पर कहाँ गया रोबोट है सिल्वर सेंचुरियन, तो सिल्वर सेंचुरियन के बेसिक किट्स में भी ऑप्शन है कि भाई आप इंसर्नेट डीबफ अप्लाई कर सकते हो, किसी उसके मीडियम अटैक से एंड करते हो तो आप इंसर्नेट अप्लाई करोगे एंड प्लस आई गेस ओमेगा सेंटिनल भी इंसर्नेट डीबफ अप्लाई करती है क्योंकि फिर वो उसको प्लाज्मा में भी कन्वर्ट कर सकती है, तो वो एक भी एक अच्छी खासी ऑप्शन है। उसके अलावा फिर देन लेक्सी कॉस्मिक के अंदर कॉस्मिक गोस्ट राइडर है, वो इंसर्नेट डीबफ अप्लाई करता है। देन हाइपेरियन है, हाइपेरियन के SP1 में इंसिडेंट डीबफ्स है एंड देन फिर अगर मिस्टिक क्लास के अंदर देखें तो मिस्टिक क्लास के अंदर ब्लैक विडो टेक्निक ओरिजिन है, खुशाला है वो भी इंसिडेंट डीबफ अप्लाई करता है एंड देन फिर लेट्स सी हू एल्स कॉस्मिक गोस्ट राइडर तो शायद रेगुलर ये अप्लाई नहीं करता। तो यार बेसिकली बहुत सारे चैंपियंस अवेलेबल है जो ये डीबफ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे चैंपियंस लेके आ सकते हो।
स्ट्राइकर डेफिनेटली अगर लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्ट्राइकर की वजह से आपको पैसिव स्टन का एक ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड देन फिर जैसे ही स्टन का ऑप्शन मिलेगा आप हैवी अटैक करके, एटलीस्ट मेरे केस में हैवी अटैक करके वो कर सकते हो। एंड भाई वो भाई डैमेज तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त था। सो या यहाँ पर एक्चुअली दिक्कत देना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनो है एंड डोमिनो ऑलरेडी काफ़ी अनॉइंग है, तो डोमिनो के सामने आप डोमिनो यूज़ नहीं कर सकते। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर सामने वाले ओपोनेंट के स्पेशल अटैक्स जो है अनब्लॉकेबल है, तो आप अगर अनलकी हो, डोमिनो की एबिलिटी है अनलकी करो देना आपको, एंड अनलकी के टाइम आपकी डेक्सटरिटी जो है काम नहीं करती है। तो वैसे कोई चैंपियन लेके जाते हो जो अनलकी हो जाता है एंड देन फिर अगर वो SP1 लॉन्च करती है तो गुड लक टू यू सर्वाइव करने के लिए। ऑफकोर्स इम्पॉसिबल है कि सर्वाइव कर पाना, अगर सर्वाइव कर भी जाते हो तो उसका ब्रीफ डैमेज शायद इनफ होगा उसको फिनिश ऑफ करने के लिए। सो स्पेसिफिकली ये वाले फाइट के अंदर आपको कोई ऐसा चैंपियन लाना है जो एटलीस्ट टेक चैंपियन हो, टेक चैंपियन के अलावा दूसरा कोई चैंपियन लेके भी मत जाना क्योंकि वो बहुत ही दिक्कत दे सकते हैं। एंड देन फिर जैसे कि मैं बता रहा था टेक क्लास के अंदर हमारे पास दो तीन ऑप्शन है जो इंफिनिट डीबफ या तो फिर पैसिव, मेनली तो यहाँ पर डीबफ काम करेंगे, तो जैसे कि पेनी पार्कर है या तो फिर सिल्वर सेंचुरी है मैं बता रहा था, तो वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, बट मेरे केस में वो दोनों के दोनों काफ़ी लो रैंक पर है तो मैं उनको लेके ही नहीं आया। एंड ऑफकोर्स मैंने ट्राई किया था उसके साथ, पेनी पार्कर के साथ ऑलमोस्ट मैंने उसको फिनिश कर दिया था, 5 या 6% तक की हेल्थ बची थी, मैं सोचा यार पाँच या उससे ज़्यादा हेल्थ बची थी, बट मेरी पेनी पार्कर जो है नॉकआउट हो गई, तो मैं सोचा नहीं मेरे को पेनी पार्कर नहीं लाना है। एंड देन फिर दूसरे पेने पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचे भी थे नहीं कि जो डोमिनो को डिफीट कर सके, एंड डोमिनो खुद सामने वाले डोमिनो को डिफीट करने के लिए थोड़ी बहुत ट्रिकी है क्योंकि दोनों की एबिलिटीज एक दूसरे को फेल करवाएंगे एंड ऑफकोर्स वो हमको नहीं चाहिए, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो अनलकी कर देगी आपको एंड देन फिर आप इवेट नहीं कर पाओगे जब तक कि वो स्पेशल अटैक लॉन्च करे, इवेट करने जाओगे भी तो डेक्सटरिटी फेल हो जाएगी, तो वो एक चीज़ है। तो वैसे करके मेरे केस में मैं यहाँ पर मिस्टीरियो लेके आया जो कि एक 7-star rank 2 है, एंड इसकी भी एक काफ़ी अच्छी कहानी है। तो समथिंग एक दिन ना बैटल ग्राउंड में मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि भाई यार विन मेरे को मिल नहीं रहे, मैं अच्छी तरीके से जीत नहीं पा रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो ऑलरेडी मेरा कहते हैं मिस्टीरियो जो है अवेकन था वगैरह, तो मैं जो सोचा कि छोड़ मैं तो अभी मिस्टीरियो को रैंक 2 पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक जैम पड़ा था 7-star rank 1-2 का जैम, तो मैंने दे दिया। एंड मैं सोचा कि यार अभी मैंने इसको जैम दिया ना, मैंने इवन उसको लेवल अप भी नहीं किया था, एग्जैक्टली जैसा हुआ वैसा का वैसा ही बता रहा, तो मैंने उसको लेवल अप भी नहीं किया एंड मैंने एक 7-star crystal ओपन किया जस्ट बेसिक पुल, एंड गेस व्हाट मेरे को सामने से मिला, या 7-star shuri। तो भाई मैं सोच रहा था कि भाई यही होता है कि जैसे ही आप दूसरे वाले चैंपियन पे फोकस करो आपको जो भी चैंपियन चाहिए था ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट फिर ऐसा है कि उसी की वजह से शूरी अभी 7-star rank 2 पे नहीं है, क्योंकि रैंक 2 के लिए मेरे पास T6 के क्लास कैटलिस्ट नहीं है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि जब तक कि 8.4 जो है 100% एक्सप्लोर हो, एंड वहाँ से फिर जो भी वो मिले क्या कहते हैं 7-star rank की जेम मिले 1-2 वाले, तो वो मैं यूज़ करूँगा। डेफिनेटली 2-3 मेरे पास अवेलेबल है, नेक्रोपोलिस सबसे पहली बार फिनिश करने के बाद जो 2-3 मिलता है, तो वहाँ से मेरे को टेक क्लास का मिला था, तो ऑफकोर्स वो मैंने उस अभी यूज़ करा। एंड देन फिर ये लास्ट वाली फाइट है, लास्ट वाली फाइट थोड़ी बहुत ट्रिकी रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल अटैक लॉन्च करने भी रहेंगे, एंड मेरे केस में डिफ़िकल्टी इसलिए क्योंकि मैंने रिकॉइल मास्टरी लगा के रखी है, तो रिकॉइल की वजह से जब कभी भी मैं स्पेशल अटैक लॉन्च करूँगा तो मेरे को 5% तक का एक्स्ट्रा डैमेज जो है मेरे को लेना पड़ेगा, जो कि मेरे को लेना है नहीं। तो ये एक अच्छा खासा क्रिट मेरे को देखने को मिलता है, 9000 तक का डैमेज जो है एवरी टिक, मतलब अराउंड 18000 डैमेज पर सेकेंड, तो काफ़ी अच्छा खासा डैमेज है, बट दिक्कत ये है कि स्टार्टिंग में वो बीच बीच में मेरे को ऑटो ब्लॉक करा था डोमिनो को, बट अगेन रेगनर थॉर के पास जो है एबिलिटी जो है कि भाई वो ऑटो ब्लॉक करे, तो ऑफकोर्स वो एक चीज़ है। एंड देन फिर आपको SP अटैक लॉन्च करनी पड़ेंगे क्योंकि उसका मून ऑफ गॉड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, अनलेस एंड अंटिल आप उसको शट डाउन करो या फिर स्पेशल अटैक लॉन्च करो तो वो कंटिन्यू एक्टिवेट होता ही रहेगा, तो वो एक चीज़ है। एंड देन फिर बीच बीच प्रोटेक्शन है तो हैवी अटैक भी लॉन्च करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही है, तो लकीली फाइट फिनिश हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती बिना किसी इशू के। एंड या मूविंग ऑन टू बॉस, हम लोग देखेंगे बॉस नंबर 2 जो कि रहेगी इस तीनों के तीन बॉस में से सबसे आई गेस हार्डेस्ट बॉस रहेगा, जो कि है यहाँ पर एमा फ्रॉस्ट।
एमा द डायमंड फ्रॉस्ट. सो या एमा फ्रॉस्ट के ऊपर नोड है, लेट्स सी क्या क्या नोड है. तो प्रोवेस्ट सर्ज है, तो बेसिकली उसको प्रोवेस्ट ज़्यादा मिलेंगे. हाई एनर्जी डाइट है, मतलब एनर्जी डैमेज करने वाले चैंपियंस हम लोग ले जा नहीं पाएंगे, अगर लेके जाते भी है तो वो रीजनरेट करेगी जितना भी डैमेज किया, एंड बहुत ज़्यादा उसको पावर गेन मिलेगा. तो वो एक है, तो बेसिकली इंसिनेट शॉक कोल्ड स्नैप जो भी है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते. बॉब एंड व्यू है, जिसका मतलब आप अगेन यहाँ पर इसका क्या नाम था, एबनी मॉ यूज़ कर सकते हो, बट वो काफ़ी लंबी फाइट रहेगी, काफ़ी मतलब काफ़ी लंबी. एंड देन फिर इम्यूनिटी टू आर्मर ब्रेक है, ऑफकोर्स वो आर्मर ब्रेक इम्यून रहेगी. एंड देन फिर लेवल हेडेड है, द डिफेंडर इज इम्यून टू इफेक्ट्स ऑफ इंफ्यूरेट एंड इंटीमिडेट. तो उसको उकसा भी नहीं सकते या तो फिर उसको डरा भी नहीं सकते, तो वो एक चीज़ है. बट यहाँ पर बेसिकली आपको ऐसे चैंपियंस यूज़ करने हैं कि जो फिजिकल डैमेज करें, मतलब जैसे कि रप्चर डीबफ अप्लाई करने वाले जो भी चैंपियंस है वो आप लेके जाते हो. तो मैं यहाँ पर लेडी डेथ स्ट्राइक यूज़ करने वाला हूँ, मतलब कर रहा हूँ ऑफकोर्स. एंड ये मेरी 6-star rank 3 वाली है, एंड मैं जस्ट यूज़ ट्राई कर रहा था कि भाई कितना हो सके कितना नहीं. एंड लेडी डेथ स्ट्राइक का एक और अच्छी चीज़ है कि भाई वो डायमंड फेस के थ्रू भी रप्चर डीबफ अप्लाई कर सकती है, क्योंकि वो फिजिकल डैमेज अप्लाई करते हैं. एंड दिक्कत ये है कि एमा फ्रॉस्ट यहाँ पर अवेकेंड है, जिसकी वजह से मेरे को स्पेशल अटैक्स जो है रिवर्स कंट्रोल के साथ इवेट करने पड़ रहे हैं. तो वो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आती, बट दिक्कत ये है कि भाई मेरा डैमेज बहुत ही लो है, तो वो जस्ट काफ़ी स्लोली जा रहा है. उसके अलावा अगर फाइट देखने जाए तो फाइट मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ. अगर मेरे पास 7-star rank 1 में होती तो शायद कुछ बात अलग होती, तो डेफिनेटली मैं सर्वाइव कर सकता था. बट यहाँ पर भी कहीं पर जाके ना वो मेरे को काउंटर अटैक करती है, भाई उसके एक या दो हिट के अंदर ही मेरी पूरी की पूरी हेल्थ जीरो हो जाती है. तो वो एक चीज़ है, देख सकते हो मैंने उसको ऑलरेडी SP1 पर है, मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉक हिट किया, कोई दिक्कत की बात नहीं. मैं SP अटैक लॉन्च करूँगा, एंड या SP3 लॉन्च करने के बाद फिर मैं जो है नॉकआउट हो जाता हूँ, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ही करीब रहती है मेरे. एंड देन फिर या उसके पास इतने सारे प्रोवेस हो गए थे, तो ऑफकोर्स वो स्पेशल अटैक तो लॉन्च करने वाले थी, एंड जितने ज़्यादा प्रोवेस उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल रेटिंग, तो वो गारंटेड क्रिटिकल हिट तो होना ही था. सबसे पहला हिट ही 30,000 का क्रिट होता है, दैट्स इट, फाइट वहीं के वहीं खत्म हो जाती है. ऑफकोर्स मतलब लेडी डेक्सट्राइट के पास ऑप्शन है कि वो रीजनरेट कर दे जितने भी मिसिंग हेल्थ है उसकी, बट वो अगर सर्वाइव करे तो वो रीजनरेट करेगी ना, अगर वो सर्वाइव ही नहीं करती तो कहाँ से रीजनरेट करेगी. तो वो एक है. एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप अपने मैग्नीटो भी नहीं ला सकते, रेगुलर मैग्नीटो, क्योंकि आपको अगर स्पेशल अटैक मतलब कंट्रोल रिवर्स जो है उसको शट डाउन करना है या तो फिर उसको काउंटर अटैक करना है, तो मेरे ख्याल से जितने भी रिवर्स कंट्रोल वाले चैंपियंस हैं जो रिवर्स कंट्रोल से इम्यून है, वो सारे के सारे जो है एनर्जी बेस्ड अटैक्स ही यूज़ करते हैं, या तो फिर अटैक है या तो फिर उनकी स्पेशल अटैक है. तो डेफिनेटली वो हमको यूज़ नहीं करना है, सिवाय एक के, चुकी है जगरनट. एंड जगरनट एक काफ़ी अच्छा खासा चैंपियन है, जस्ट हिट करते जाओ, SP अटैक लॉन्च करो, हिट करते जाओ, SP अटैक लॉन्च करो, दैट्स इट. एंड आपको इवेट भी काफ़ी इजीली करना है, जस्ट डैश बैक करके इवेट करना है, क्योंकि वो रिवर्स कंट्रोल इम्यून है, वाई नॉट. एंड देन फिर या आपको अगर SP2 पे पुश करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो, मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, क्योंकि जस्ट इन केस अगर वो चली जाती है SP2 के ऊपर तो आप डेफिनेटली उसको इवेंट तो कर ही सकते हो, कोई इतना इशू आएगा नहीं. बट मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई जस्ट उसको SP1 तक ही रखो, वो काफ़ी अच्छा है, दोनों के दोनों रेंज्ड अटैक्स है, तो आप उनको यूज़ कर ही सकते हो. तो क्या मतलब ज़्यादा कुछ इतना एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, जस्ट आपको फिजिकल डैमेज डीलिंग वाले चैंपियन लेके जाने हैं तो रप्चर डीबफ अप्लाई करने वाले जो भी चैंपियंस लेके जा सकते हो लेके जाओ, जैसे कि वेयरवुल्फ बाय नाइट जो है, एंड देन फिर स्कॉर्पियन जो है उसकी उसके पास भी रप्चर डीबफ है. एंड देन फिर लेट्स रिमेंबर जो रिसेंटली किसी को मिला है, बट या बेसिकली जो भी फिजिकल डैमेज करे वैसे वाले चैंपियंस लेके जाओ, एंड देन वी फाइट इजीली, काफ़ी इजीली खत्म हो जाएगी. सो या इतना सा था ये वीडियो, एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए मिलता हूँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.